नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन टेक गुरु की और एक न्यू एंड एक्साइटिंग एपिसोड में। दोस्तों, सैमसंग ने फाइनली इंडिया में अपना सैमसंग M31 लॉन्च कर दिया है और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सैमसंग M31 के बारे में, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका प्राइसिंग क्या है और कब का कैसे ये स्मार्टफोन खरीदना है उसके बारे में बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो सैमसंग का M30S है उसके साथ सैमसंग M31 का कॉम्पिटिशन भी करूंगा और अंत में कुछ कॉन्स के बारे में बताऊंगा जो कि सैमसंग M31 में आपको देखने को मिलता है। तो ये वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, तो आज का ये वीडियो जरूर अंत तक देखना। तो गाइस, बिना कोई टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। तो गाइस, फिलहाल मेरे पास है सैमसंग की M30S जो कि सैमसंग ने इसी सीरीज में पिछले साल लॉन्च किया था। अभी इसका जो सक्सेसर है सैमसंग M31 जो कि फिलहाल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अभी इन दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है वो लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलता है और थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कैमरा का मॉड्यूल में डिफरेंस देखने को मिलेगा और हल्का फुल्का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल मटेरियल को लेके। तो सैमसंग M30S में आपको मिलता था प्लास्टिक बिल मटेरियल, ठीक वैसे आपको सैमसंग M31 में भी प्लास्टिक दिया गया है बैक साइड में और जो डिस्प्ले है वो तो लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा और ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है और इसमें आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। सिर्फ जो कॉर्निंग गोरिल्ला फर्स्ट 3 का प्रोटेक्शन आपको सैमसंग M31 में देखने को मिलता है जबकि M30S में आपको कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता था। और जो प्रोसेसर है दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में आपको एक्सिनोस की 9611 जो चिपसेट है, जो एक ऑक्टाकोर चिपसेट है और जो कि 10 नैनोमीटर बेस्ड एक चिपसेट है वो आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें रैम या फिर इनबिल्ट स्टोरेज को लेके, तो इस स्मार्टफोन में आपको ऐसे 3 वेरिएंट देखने को मिलता था जबकि सैमसंग के M31 में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है। तो सैमसंग M31 में आपको 6GB रैम के साथ 128GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है और एक 6GB रैम के साथ 64GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है। और सैमसंग M31 और सैमसंग M30S में आपको दोनों में देखने को मिलता था LPDDR4X रैम, ठीक है। और अभी बात करते कैमरा को लेकर जो कि डिफरेंस है, इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जबकि सैमसंग की M31 में आपको देखने को मिलता है क्वाड रियर कैमरा जिसमें आपको 64MP का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 5MP का मैक्रो लेंस और उसके बाद मिलेगा 5MP का डेप्थ सेंसर। अभी जो ये स्मार्टफोन है सैमसंग M30S, इसमें आपको जो प्राइमरी सेंसर मिलता था बैक साइड में वो है 48MP का और इसमें आपको 5MP का जो मैक्रो लेंस है वो देखने को नहीं मिलता था। यानी कि 48MP का एक प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 5MP का डेप्थ सेंसर वो आपको सैमसंग M30S में देखने को मिलता था। अभी सैमसंग M31 में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है बैक साइड में। फ्रंट कैमरा की बात करें तो M30S में आपको देखने को मिलता था 16MP का फ्रंट कैमरा जबकि M31 में आपको देखने को मिलेगा 32MP का एक फ्रंट कैमरा। तो कैमरा सेटअप में काफ़ी अच्छा खासा चेंज किया है सैमसंग M31 में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलता था 15W फास्ट चार्जिंग के साथ। और जो सैमसंग की M30S है इसमें आपको फिलहाल एंड्रॉयड 9.0 देखने को मिलता है जबकि M31 में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा जो कि One UI 2.0 के साथ आएगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको Type-C यूज भी देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक के साथ साथ जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको देखने को मिलता है। अब इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर का जो पोजीशन है ठीक वैसे ही आपको M31 में देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख लिए कि सैमसंग M31 में ऐसा कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है और सैमसंग M30S से ऐसा कौन कौन सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि सैमसंग M30S और सैमसंग M31 दोनों का स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है जबकि जो कैमरा का मॉड्यूल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और काफ़ी अच्छा खासा कैमरा का सेटअप दिया गया है सैमसंग M31 में। और अभी बात करते हैं सैमसंग M31 आपको कहाँ मिलेगा और इसका प्राइसिंग कितना होगा। तो ये आपको Amazon में देखने को मिलेगा 5 मार्च से। तो 5 मार्च इसका फर्स्ट सेल होने वाला है 12 बजे, दोपहर 12 बजे आपको इसका जो फर्स्ट सेल होगा वो Amazon पे देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें जो जो बेसिक वेरिएंट है 6GB का 64GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला, उसका जो प्राइसिंग रखा गया है वो है 15,000 रुपीज़ से 1 रुपीज़ कम, यानी कि 14,999 रुपीज़।
और जो दूसरा वेरिएंट है 6 GB रैम के साथ 128 GB का इनबिल्ट स्टोरेज, उसका प्राइसिंग है 15,999 रुपीज़, यानी कि तकरीबन 16,000 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी बात करते हैं सैमसंग M31 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इसमें क्या कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, फिर कोई कॉन्स नहीं है, इसमें भी कोई ना कोई कॉन्स आपको देखने को मिलता है। जैसे कि सैमसंग अपना सैमसंग M31 2020 में लॉन्च कर रहा है, अगर इसमें 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलता था तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन इसमें आपको डुअल 4G वोल्टी देखने को मिलता है, तो अगर 5G देता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन मुझे लगता है कि सैमसंग का M31S आएगा उसमें शायद हो सकता है कि 5G देखने को मिले। इसके अलावा इसमें भी आपको प्लास्टिक बिल मेटल देखने को मिलता है, जैसे कि सैमसंग की M30S में देखने को मिलता था, सैमसंग का जो M31 है उसमें भी आपको प्लास्टिक बिल मेटल देखने को मिलता है। तो इसमें भी सैमसंग ने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अगर ग्लास बॉडी या फिर मेटल बॉडी देता तो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे हिसाब से। इसके अलावा जो फास्ट चार्जिंग, इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन जो फास्ट चार्जर दिया गया या फिर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है वो है 15 W तक। अभी 6000 mAh बैटरी कितना टाइम लगेगा अगर हम 15 W चार्जर के साथ चार्ज देंगे तो जैसे कि नॉर्मल जो स्मार्टफोन आता है उसमें हमें 10 W की चार्जर मिलता है, अभी उससे 5 W का ज़्यादा करके अगर उससे हम बोलेंगे फास्ट चार्जिंग और इसको ही बार बार देंगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। इसमें अगर 20 W का मिनिमम फास्ट चार्जर रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता, जबकि इसका जो कॉम्पिटिटर है इसी प्राइस रेंज में 20 W 25 W या फिर 30 W का भी जो फास्ट चार्जिंग है वो प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि अगर इन तीनों जगह में थोड़ा सा फोकस करता सैमसंग तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन इस प्राइस में सैमसंग का ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, स्पेशली जो कैमरा का सेटअप है वो काफ़ी अच्छा लगा हमें देखने में। तो आप बताओ क्या आप क्या सोचते हो सैमसंग की M31 के बारे में, क्या आप स्मार्टफोन खरीदना चाहोगे, अगर खरीदना चाहोगे तो क्यों खरीदना चाहोगे, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज का ये वीडियो बस इतना था, जिसमें मैंने आपको बताया सैमसंग की M31 के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अगर इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल इतना है दोस्तों, आप लोग से फिर से मुलाकात होगा मेरी अगली वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।